हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स गो ट्रैवल डायरीज। एंड आ गए हम वापस विद न्यू मोर ब्लॉग्स और न्यू मोर एडवेंचर ट्रिप्स। सो अभी हम हैं कौसानी से 12 किलोमीटर दूर रुद्रधारी वाटरफॉल देखने आए हैं, रुद्रधारी वाटरफॉल। और वहां पे आपको सोमेश्वर टेम्पल का, सोमेश्वर रेंज का एक छोटा सा लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी मिलेगा जो कि रुद्र शिवा है। सो उसी को हम देखने के लिए आए थे, बट अभी जैसे हमें पता चला कि जो मीन्स वाटरफॉल है वो लगभग हमें 2 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ेगा, और जिसमें कि कोई मीन्स प्लेन सीमेंटेड वाला रोड भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रफ रोड है। सो डर तो लग रहा है क्योंकि हमने कभी ट्रैकिंग करके अभी प्लेसेस घूमे नहीं हैं, सब ऐसे ही नॉर्मल प्लेसेस थे जो कि हमने घूमा था। सो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ, तो इतना सा मतलब 50-60 सीढ़ी चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, तो 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाला है। बट फिर भी ट्राई करते हैं फ्रेंड्स एक बार, क्योंकि जब आए हैं और इतना दूर आके और महादेव का दर्शन ना करें तो कैसे अच्छा लगेगा। सो एक बार ट्राई तो ज़रूर करेंगे पहुंचने का, होप कि पहुंच जाए। सो आप भी आ सकते हो, ये बस कौसानी से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो नॉर्मली आप कैब लेके आ सकते हो या टैक्सी लेके आ सकते हो यहाँ पे। और रोड्स फ्रेंड्स थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बाकी अभी देखते हैं, ट्रैकिंग पे चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे रहते हैं रोड्स और जिसे हमें ट्रैक करके जाना है। तो फीडबैक तो वैसे हमने लिया है अभी बहुत सारे लोगों से, तो सबका कहना यही है फ्रेंड्स कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आधे रास्ते से रिटर्न आ जा रहे हैं क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा टफ रोड है। मींस छोटे छोटे वाटर वाले एरियाज़ है, उसमें से कूद कूद के, बड़े बड़े चट्टानों से कूद के, जंगलों के बीच से ऐसे करके हमें जाना है। सो रोड तो बहुत ही टफ है, बट आपके लिए हम ज़रूर ट्राई करेंगे और पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। सो कीप वॉचिंग और एडवेंचर देखते रहिए कि कैसे एडवेंचरस रोड पे हम कूदते कूदते, भागते भागते, थकते थकते चलते हैं। सो कीप वॉचिंग गाइस, और हम होंगे कामयाब आज के दिन। सो कीप ट्यूनिंग। देखो गाइस रोड्स, यहीं से देखो कितना बुरे हाल में है, बहुत बुरी हालत है, पूरे पत्थरों के बीच से जाते हुए यही है रोड। ओहो, हमें तो अभी से लग रहा है कि पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रोड है। चलते हैं गाइस, देखते हैं कैसा रहता है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे जाना पड़ रहा है रोड पे, आराम से आराम से। बहुत ज्यादा रिस्की रोड है, डर लग रहा है कुछ निकल ना जाए, इतना नैरो रोड है। रास्ता पूरे बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ है और दोनों साइड में भी आप देख रहे हो जंगलों से भी भरा हुआ है। यहाँ पे आने के लिए आपको गाइड भी आप ले सकते हो, गाइड आपसे 500 रुपीज चार्ज करेगा। गाइस रोड देखो, और लोग आ रहे हैं शायद, आगे से आवाज आ रही है। हाँ चलो, थोड़ा सा हौसला मिला।
सो अभी हमने इनसे पूछा तो लगभग और 20 मिनट लगेंगे ऐसे ही रास्तों से चलते हुए जाने रहना है। अरे भाई ये देखो पानी, देखो कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ों के बीच से पानी जाते हुए। देखे सेफली ऐसा, कम ऑन कहाँ है एनर्जी। You're a Horlicks girl. Yes. दिखाओ Horlicks power. इस बार का ट्रिप कुछ अनोखा ही था, फुल ऑफ एडवेंचर रहा ये तो। इवन जब आओगे फ्रेंड्स आप तो तब भी रोड भी ऐसे ही है खराब, तो उसमें भी गाड़ी आपकी ऐसे एक साइड दूसरी साइड ऐसे पूरे नाश्ते नाश्ते ही आना है। अब यहाँ नाश्ते नाश्ते चढ़ना भी है। पूरा ड्राइविंग से लेके वॉकिंग सारा कुछ, ट्रैकिंग सारा कुछ आपको इसी एक ट्रिप में मिल जाएगा। बस यही है, हाँ आप अपना सेफ्टी देखते हुए करो। ये फिर से पानी आ गया, आराम से क्रॉस करना। सो आपके होस्ट ने क्रॉस कर लिया नदी, अब मेरी बारी और ये मैंने भी कर लिया क्रॉस। चलते हैं, और भी टूरिस्ट है गाइस। कम ऑन यू कैन डू इट। और ये हौसला बढ़ाते हुए, यस यू हैव डन इट। अभी और मुश्किलों का सामना करना है। थक गए अब तो। बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा इस पहाड़ में आराम करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आप लोग फ्रेंड्स तब तक थोड़ा नेचुरल ब्यूटी देख लीजिए। गाइस हम फिर से अपनी जर्नी रिज्यूम कर रहे हैं, थके हुए तो अभी भी हैं लेकिन चलना तो पड़ेगा, शाम होने को आई है, लगभग 2:30 बज रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे पहले हमें अपना ट्रिप का कंप्लीट करके निकलना भी है। चलते हैं, एनर्जी दिखाते हैं थोड़ा सा। आप रोड्स का एंजॉय लीजिए, मज़े लीजिए व्यूज़ का, तब तक हम ट्रैकिंग करते हैं। मोर एडवेंचर, ठंड भी बढ़ रही है यहाँ पे। आज तो महादेव जी के दर्शन कर ही लेंगे, रुद्रधारी महादेव टेंपल और रुद्रधारी वाटरफॉल भी जो कि साथ ही साथ है। और कुछ लोग आ रहे हैं दूर से दिख रहा है। सो गाइस हमने इन्हें पूछा था कि अभी और ऊपर कितना है, तो लगभग और 10-15 मिनट हमने और चलना पड़ेगा तब जाके हम पहुंच पाएंगे।
हर हर महादेव। प्रिया जी थोड़ा मोटिवेशन, हर हर महादेव, थोड़ा सा एनर्जी। सारा एनर्जी मैंने चढ़ने में लगा दिया, हो गया। सो फ्रेंड्स, रिया तो बहुत ज़्यादा थक गई है, थक तो मैं भी गया हूँ, बट हार नहीं मानना है हमें, तो आज पहुँचना ही है मंदिर, महादेव के दर्शन करने ही है। पूरा वीरान जंगल है, मैं और रिया ही बस चले जा रहे हैं, दोनों थके हुए भी है, भागने का दम है नहीं, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। बस महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं ये रास्ता हमें कहाँ तक ले जाती है। फ्रेंड्स ठंड भी बढ़ रही है, अंधेरा भी होने जाएगा, जल्दी पहुँचना भी है। और एक नदी पार और ऊपर की तैयार। महादेव भी कहाँ जाके बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सीढ़ी दिख रहा है, चलते हैं। और भी लोग आ रहे हैं, ये देख के थोड़ा सा साहस आ रहा है कि हम अकेले नहीं है जंगल में। सारे उतर रहे हैं और हम अभी चढ़ रहे हैं, पता नहीं कब उतरेंगे। देख रहे हो गाइस, यहाँ से स्टेप्स दिख रहे हैं वो दूर तक जाते हुए। भाई साहब हालत खराब होगी रे, ये तो वैष्णो देवी माँ की चढ़ाई हो गई। चलो फ्रेंड्स, कुछ अच्छा साइन दिखा, फाइनली हमें मंदिर की घंटी दिख रही है। आई थिंक हम पहुंचने वाले हैं। जय महाकाल। रिया जी घंटी बजाइए। चलते हैं, अब कुछ स्टेप बचे हुए हैं, अब पैर लड़खड़ा भी रहे और ताकत नहीं है। सो गाइस, ये रहा हमारे महादेव जी, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, ठंडी सी जगह में, लेक के साइड में। चलते हैं मंदिर वाटरफॉल के साइड। हाँ, वो वाटरफॉल के एकदम साइड में ही है। सो ये जा रहे हैं हम मंदिर की तरफ, और ये वाटरफॉल। चलिए सामने से दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, नज़ारा देखिए कैसा है। ये राहुल जी मंदिर से बाहर आते हुए। सो गाइज, हमारी मंदिर दर्शन तो हो गए, अब हम जा रहे गाड़ी की तरफ। बहुत ज्यादा थक गए हैं और बहुत ज्यादा भूख लग गई है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जल्दी चलते हैं गाड़ी की तरफ
और अपना पेट पूजा करते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। सो सारा भूख लग गया, इतना सारा खाना खाना है अभी, इतना सारा खाना खाना है रियाज को। सो चलते हैं, उनको भी खिलाते हैं, खुद के पेट को भी खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। सो गाइज, लगभग हमें 30 मिनट्स to 45 मिनट्स जैसा लगा ये ट्रैक पे। हम गाइड लेके तो आए नहीं थे, हम बोले कि नहीं भाई खुद ही चढ़ जाएंगे। सो वैसे रास्ते में कोई इशू नहीं हुआ, यही है कि रास्ते से अनजान थे तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि पूरा जंगली इलाका है, दोनों साइड से जंगल है, बीच से नदी जा रही है और पत्थरों से कूद कूद के जा रहे हैं। तो यही था कि गाइड रहता तो थोड़ा सा अपने अंदर बना रहता कि हाँ भाई कोई तो है साथ में, कोई लोकल वाला बंदा है साथ में, बट यही है हम लोग अनजान थे। हाँ, मंदिर आने के लिए आपको वैसे खास ज़रूरत है नहीं गाइड की, बट यही है कि अगर आपको लगता है आप अकेले कर पाओगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाओगे तो उसको लाना ही बेटर है। ही विल चार्ज यू अराउंड 500। सो आप पे डिपेंड है गाइस। सो जब आप लोग भी जब घूमने आए रुद्रधारी वाटरफॉल और महादेव मंदिर, तो ज़रूर बताएं, ज़रूर अपनी स्टोरीज डालें ताकि हम भी देख के खुश होते रहें। ओके गाइस, चलते हैं आप सेफली बैक टू पार्किंग।